उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का धंधा किस कदर फला फूला है, इसका अंदाज आप इस बात से लगा लीजिए कि जांच के साथ ही पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग शहरों से लोग अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि कैसे उनकी बच्चियों के साथ धर्मांतरण वाला गुनाह किया गया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, आपको अंदाजा होगा उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का खेल कितनी तेजी से खेला गया है। निकाह नामा दे रहे, उसमें धर्म परिवर्तन दिखा रहे, करा रहे, किस आधार पे करा रहे। क्या उत्तर प्रदेश में धर्म की आड़ में अधर्म का बड़ा जाल रचा जा रहा है? मुझे कहने लगा कि तुम नहीं शादी करोगी मुझसे तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, तो मेरा धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या उत्तर प्रदेश में धोखे से धर्मांतरण वाली साजिश का सिंडिकेट चलाया जा रहा है? और उनका मोबाइल भी छीन लिया है, और ना करने पर ऐसा वो बताते हैं कि जान से मारने की धमकी दिया। क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है जिसने धर्म परिवर्तन को अपना धंधा बना लिया है? धर्म परिवर्तन कर रहा है, दबाव बना रहे हैं, मोबाइल छीन लिया है, मारता पीटता है, परेशान कर रहा है। लोगों के जहन में कई ऐसे सवाल इन पीड़ितों का दर्द सुनकर उमड़ रहे हैं। ये वो पीड़ित हैं जिन्हें भरोसे के नाम पर अधर्म की दलदल में धकेल दिया गया और अब इनके पास खुद को बचाने की गुहार के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उत्तर प्रदेश के एक तो नहीं कई शहरों से सिलसिलेवार तरीके से धोखे, दबाव और जालसाजी कर धर्म परिवर्तन के केस आ रहे हैं जो बेहद चिंताजनक है। प्रयागराज की इस लड़की की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहले एक मुस्लिम लड़के ने पहचान छिपाकर दोस्ती की, जब सच्चाई सामने आई तो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और ना मानने पर जान से मारने की धमकी दी। मैं गोलू को दिसंबर से जानती हूँ और गोलू हिंदू बन के आता था मेरे घर तरफ और मेरे पड़ोस के भाई लोग हैं उससे बातचीत करता था, फिर मेरी बातचीत होने लगी उससे और फिर जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब मैं उसके घर गई तो पता चला वो मुस्लिम है, मैं उसका पीछा छुड़ाने लगी, तभी मुझे कहने लगा कि तुम नहीं शादी करोगी मुझसे तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, तो मेरा धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। बाराबंकी के परिवार की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। खेत में काम करने वाले युवक ने अपना गलत नाम बताया और फिर परिवार की ही लड़की को लेकर फरार हो गया। तलाश हुई तो मालूम चला कि आरोपी ने लड़की का जबरन धर्म बदलवा कर उससे निकाह कर लिया है। इतना ही नहीं, आरोपी पहले भी दो शादियां कर चुका है। उसका 5 साल का बच्चा है, पहले से नहीं था, उसकी केस कर चुका है, वो चौथा हमारा है, नहीं जाता है, 2-4 महीना रखा था उसके बाद का। बेटी को वापस लाने के लिए परिवार वालों ने जोर लगाया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पहला कुछ लाए दिन धमकी जब दिन तो जो है लाभ में संकार ही गए। को धमकी दिया? वही कहीं गली घाट मार दे, चढ़ाई करके घर पर मार दे अगर जो बताए तो। बाराबंकी में धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कुछ ऐसा ही तनाव इन दिनों पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में भी है। मई महीने में उस्मान नाम के शख्स ने धर्म बदलवा कर एक लड़की से शादी की, उससे 2 लाख रुपए भी लिए और इसके बाद जून में दूसरी लड़की से शादी कर ली। प्यार के जाल में फंसा कर धर्म परिवर्तन के साजिश का खुलासा हुआ तो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता कोतवाली में धरने पर बैठ गए। किस आधार पे हिंदू लड़की को निकाह नामा दे रहे, उसमें धर्म परिवर्तन दिखा रहे, करा रहे, किस आधार पे करा रहे, ये सब चीजें जांच का विषय थी। फतेहपुर की इस महिला की कहानी तो और भी दर्दनाक है क्योंकि इस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है। कुछ समय पहले महिला का पति अपने साथी के साथ हल्द्वानी गया था जहाँ उसने अपना धर्म बदल लिया और अब वो पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। 6 महीना पहले आते थे, कितने अब आते 1 महीना जब आते हो गए, खैर मुसलमान बने बन गए। शादी कब हुई थी?
शादी के 4 साल हो गए। बच्चे भी हैं। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले ऑल इंडिया गैंग के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन पहले से अलर्ट पर है। इस बीच शहर शहर धर्म के नाम पर अधर्म वाले इन मामलों ने चिंता और भी बढ़ा दी है कि कहीं ये सभी केस किसी बड़े नेटवर्क की कड़ियां तो नहीं है। आज तक ब्यूरो।